पांच दिन में हम क्लोज है। हमने रेड मारी, सोनीपत में भी मारी, रोहतक में भी मारी, दिल्ली डीएलएफ में भी मारी। सारी बातें हम बता भी नहीं सकते क्योंकि उनको पता लग जाएगा क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम दो, हमें भी दुख है कि जो हुआ, पर यह है कि अगर जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, हम पास हैं, जल्द से जल्द कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि हम मान लो तीन, मतलब हमने चार बंदों को पकड़ा, आपको लगता है कि पांचवा छठा भी इन्वॉल्व है, आप उनका भी नाम बता दो, हम जायज़ कार्रवाई कर देंगे। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जितने भी प्रयास करें नहीं मिलते, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। रही बात इनकी प्रोटेक्शन की बात, इनको तो गनमैन मिल गया है, बाकी जो आपने कहा है इनके परिवार को, हम वो भी एसपी साहब से बात करके हम वो दिलवा देंगे। बाकी कोविड की महामारी हम सबको पता है, तो आपसे भी सबसे अनुरोध है कि आप इकट्ठे हो भी तो मास्क पहन के इकट्ठे हों, या जो भी आप डाटा टूटा लगाते हैं वो लगा दें। आपने सब देखा कि सेकेंड वेव में क्या हुआ है, गांव-गांव में इतनी मृत्यु हुई है। तो यह आपसे मेरी तरफ से अनुरोध है कि अपनी सुरक्षा के लिए आप मुंह पे कोई कपड़ा या मास्क मुंह से लगा दें, और अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो आप कुछ कह सकते हैं। एसपी साहब, एक वो बच्चा छोटा है, हाँ, उसकी आर्थिक मदद भी दो और जितना भी जो भी हो सके है उसको अच्छे है अच्छे उसका इलाज करवाओ, आर्थिक मदद भी दो उसको। ये मेरे हाथ में नहीं आर्थिक नहीं, नहीं 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 आपके उसमें वो दिया है कि आप इस मैं उच्च अधिकारियों से इसके बारे में बात करूँ। और किसी को कोई भी अपनी बात रखनी हो आप कृपया रख सकते हैं। कि ये जो नाजायज हुआ है इनके साथ, बिल्कुल, और बिल्कुल एज ए रूल के हिसाब से जो इनको न्याय मिले ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, कोई भी असामाजिक कार्य ना करे, आपसे ये रिक्वेस्ट है सर। पक्का पक्का, आप युवा है, एक अच्छा संदेश दे के जाएंगे गांव में। ये हमारी, आप रिक्वेस्ट मत करो, ये हमारा काम है, हम करें, ठीक है। ये और एक दो आपको दौरे रिपोर्ट पहुंच रही होगी ना, पहुंच जाएगी, ठीक है। एक दो तो इससे किस्म के नाजायज बच्चे हैं, वो नहीं होगी कैसे कहते नहीं कर देना, तो वो आपको दो शिकायत आप बता दो सर, बता दो। और चोरी की घटना की रिपोर्ट मैंने साहब के दौरे भी दे दी, आपको दौरे भी दे दी। सोलर प्लेट, वो सोलर प्लेट वाले ये ना सैडी करें सारे काम है और गांव में के चार मन थे ना बेरा से कौन कौन नाथ साहब के दौर नाम बूझ लिए ना बड़का दौर जब तक इनके ऊपर शिकंजे ना कसे जाएंगे ना ये अपराध मारे नहीं है बड़े हैं। अगर किसी को भी किसी पर शक है, देखो हमारे पास 70-80 गांव होते हैं, ठीक है, 70-80 गांव होते हैं। हाल में ही एक दो बालक और भी फायर करने वाला है, आप नाम दे देना, पैसे दे लेंगे ऊपर और आपका दो रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक ना आई होगी, ठीक है। आप रिपोर्ट भी दो, बालक पहुँचे पैसे वाले पहुँचे आपको ना, नहीं पहुँचे आपके दो रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं आई और वरना सीडीएस हैं, फैसला करना कोर्ट में, हर गोली पे चलाओ गोली का मार पी हर इस परिवार में कितने दिन तक कार्रवाई मेरे को कम से कम एक हफ्ते का मैं सही हो गया, मैं खुद पर्सनली इंटरेस्ट लूँगा। देखो कोशिश तो मेरी है, मैं दो तीन दिन में कर दूँ, पर मैं आपसे एक हफ्ता टाइम ले लूँ, ठीक। बाकी अगर आपको लगता होगा कि बंदे और इन्वॉल्व हैं हम वो भी पकड़ें। आप इसका आश्वासन दे दो भाई, और टीम आप बता दो कि नहीं ना तो फिर रोड जाम हो, अफसर अधिकारियों का जाया जा, हमने देखो काम ने तो यो आश्वासन चाहिए भाई, इतने दिन में यो काम हो जाएगा। देखो मैं अपनी तरफ परिवार तक सदस्य मानो है नहीं, एक अकेला रह रहा है। देखो मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी, बाकी रहा परमात्मा, मैं अपनी टीम भी लगा लूँगा, जो होगा दिन रात मेहनत करेंगे, ठीक हो गया खर्चा कोई बातचीत नहीं है, आप भी आ रहे हैं हर गाँव के, कईयो गांव के शहरों लाना साहब ताई कहने की या प्रधान ताई कहने की कोई डिमांड से कोई बात रह रही है
साहब जी ने एक हफ्ता का टाइम दे दिया एसपी साहब ने, और अपनी पंचायत के में बात होली भाई इतना शांति बनाए रखना होगा, क्योंकि यो काम प्रशासन का है और यो प्रशासन एक हफ्ता का टाइम मांगा है, इतने हमने विश्वास में रहना पड़ेगा। अकबर एक हफ्ता का में इस गांव ताई जरूर साहब शांति देंगे, अपराधियां पकड़ गए और किसी की कोई बात नहीं रही तो बोलो गौ माता की जय।